हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे सेट 6 देखेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का, वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। फिर से रिमाइंडर देना चाहती हूँ, ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड नहीं होती है, ऑलमोस्ट डन इज नॉट डन, देयर इज नो सच थिंग एज अ सेंचुरी। तो इससे आपको मालूम होता है कि कितना मेहनत की ज़रूरत होती है ना। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया इन विच NCF 2005 इज डिवाइडेड। कौन सा जो एरिया है NCF 2005 डिवाइडेड नहीं है, इसमें क्या होगा? सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स, क्वालिटेटिव एडुकेशन फॉर ऑल, परस्पेक्टिव या करिकुलम एरियाज, कौन सा होगा? यस, आंसर क्या होगा? यस, क्वालिटी एडुकेशन फॉर ऑल इज एन एरिया इन विच NCF 2005 इज नॉट डिवाइडेड। ओके, तो उसमें कोई डिविजन नहीं है, सबको क्वालिटी ऑफ एडुकेशन देना चाहते हैं, इसीलिए द आंसर वुड बी ये। पर्सपेक्टिव्स हर एक मोड के लिए थोड़ा करिकुलम एरियाज में डिफरेंट है ना। अगर सोशल है थोड़ा, ऑल दीज थिंग्स मैटर, कोई और दूसरे सब्जेक्ट का कुछ अलग हो, सिस्टम रिफॉर्म्स कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटी एडुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, राइट? नेक्स्ट, राइट टू एडुकेशन एक्ट 2009 specifies the minimum number of working hours per week for the teacher. According to Right to Education Act, क्या होगा? Answer होगा minimum 45 hours. Okay? ये होंगे teachers का minimum working hours जो कुछ हैं, that is 45. Next, Right to Education Act 2009 states that a teacher shall perform which of the following duties? तो RTE के बारे में कौन सा जो है? Maintaining regularly and punctuality in attending school, conducting and completing the curriculum, complete entire curriculum in a specified time, yeah, all the above. Teacher duty आप ही बताओ, even if Right to Education Act बोलता है नहीं, as a teacher क्या ये necessary नहीं होती कि हम regular हो, punctual हो at school में, पूरा काम time पे curriculum complete करें, जो कुछ है, तो answer क्या होगा? बिल्कुल, answer होगा all of the above. Okay, next, NCF 2005 suggests some activities to promote peace education. Which of the following is enlisted in the curriculum framework? Organize programs to promote an attitude of respect and responsibility towards women. Yeah, teach moral education. Teach peace education as a separate subject. Yeah, integrate peace education. NCF 2005, some activities to promote peace education. So, peace education mein jo kuch NCF ने सजेस्ट किया है, करिकुलम में कौन सा है वो? What was enlisted? Yes, it is organized programs to promote an attitude of respect and responsibility towards women is one of the following that has been उसमें enlist हो गया है. Okay, now yeah, इसका कोई संध्या एंड ममता ऑफ क्लास 7th, संध्या एंड ममता ऑफ क्लास 7th are bright students but extremely jealous of each other. How will you teach as a teacher to handle them? आप कैसे सिखाओगे बच्चों को? Not bother as they will go outgrow it. Talk to them discreetly about healthy competition. Discourage them with the whole class and convey your disapproval. Generally क्या होता है? Answer, हम जब भी ऐसे बच्चे में इतना jealousiness होता है तो उनको अकेले बात करनी है discreetly. That means एक को बिना मालूम के दूसरे, पूरा हेल्दी कॉम्पिटिशन यही है, अच्छा होता है कि सबके सामने आप करोगे तो इट डजंट रियली वर्क. लेट मी चेक दिस. यस, आंसर आपका, दिस स्लाइड शुड गो हियर एंड दिस स्लाइड शुड बी हियर. आंसर आपका होगा 2. ओके, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. सलीम इज वेरी गुड इन म्यूजिक बट इज नॉट एबल टू डू वेल इन मैथमेटिक्स. एज अ मैथमेटिक टीचर, हाउ विल यू हैंडल सलीम? सलीम क्या है? बहुत अच्छे म्यूजिक टीचर है, ओके, लेकिन वो मैथ्स नहीं कर पा रहे. तो टेल हिम दैट म्यूजिक डज नॉट हैव एनी फ्यूचर. टेल हिम टू हैव म्यूजिक. कॉल हिज पेरेंट्स एंड टॉक. टेल हिम दैट ही कैन डू वेल एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स टू हिम. एज अ टीचर हमें क्या करना है? बच्चों को कभी डीमोटिवेट नहीं करते. बच्चे एक काम अच्छा कर पा रहा है तो दूसरा काम भी अच्छा कर सकता है. वी शुड इंस्टिल दैट कॉन्फिडेंस इन बच्चों में.
उनको हमें बताना है, या अगर मैथ्स में उसको दिक्कत है उसको और एक और बार कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, एंड एंश्योर दैट बच्चे अच्छा कर पाए। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग विद द करिकुलम इज एम्ड एट, जो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग करिकुलम के साथ जो वो इसका एम क्या है, मेकिंग द लर्नर्स अकाउंटेबल फॉर देयर ओन लर्निंग, स्ट्रेंथनिंग द मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू फैसिलिटेट लर्निंग, प्रमोट एक्टिव लर्निंग एंड एटीट्यूड पर्टेनिंग टू डिस्कवरी और एक्सप्लोरिंग। व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग विद करिकुलम, इसकी एम क्या होती है, द एम इज पर्टेनिंग टू डिस्कवरी ऑफ एक्सप्लोरिंग, राइट। देखो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग में मेजर एम क्या इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ लर्निंग विच इज रिलेटेड टू दैट, वेर चाइल्ड लर्न्स ऑल बाई हिमसेल्फ, वेर द टीचर एक्ट्स एज अ फेसिलिटेटर। नेक्स्ट, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट मेंटल रिप्रेजेंटेशंस डैश एंड डैश ऑफ एक्सटर्नली रियलिटी थ्रू अ गिवन सेट ऑफ एक्टिविटीज। देखो फिर से, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट मेंटल रिप्रेजेंटेशंस बाई थिंकिंग एंड टास्क ऑफ, या बाई थिंकिंग है एंड टास्क ऑफ एक्सटर्नल रियलिटी, या मेंटल रिप्रेजेंटेशन इमेजेस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ एक्सटर्नल रियलिटी, या लर्नर्स कंस्ट्रक्ट मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सपीरियंसेस एंड पिक्चर्स ऑफ एक्सटर्नल रियलिटी, या लर्नर्स कंस्ट्रक्ट मेंटल रिप्रेजेंटेशंस विजुअल्स एंड साउंड्स ऑफ एक्सटर्नल रियलिटी। व्हाट वुड बी द बेस्ट आंसर यहाँ पे? वेरी क्लियरली इट्स एविडेंट आंसर होगा आपका टू, इमेजेस। विजुअल रिप्रेजेंट मेंटल रिप्रेजेंटेशंस में इमेजेस आते हैं उनको कैसे होना, हाँ, एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ एक्सटर्नल दैट विल हेल्प देम, इट विल हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट मेंटल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन द इमेजेस एंड एक्सपीरियंस दैट दे फेस। ओके, तो वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायल एरर थियोरी सक्सेस लर्निंग इज ऑब्टेन बाई चांस, और हाँ, एंड राइट रेस्पॉन्स इज सेलेक्टेड फ्रॉम एमॉन्ग सो मेनी आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स, द ऑर्गेनिज्म रीचेस टू पॉइंट ऑफ सक्सेस स्लोली, और ऑल ऑफ दी अबव। इन अ ट्रायल एंड एरर थियरी अगर आप बात करोगे, इट इज ऑल ऑफ दी अबव। राइट रेस्पॉन्स इज एमॉन्ग सो मेनी रेस्पॉन्सेस है ना, आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स कौन सा सही है क्या नहीं है। सक्सेस एक एक टाइम पे ही नहीं आता, धीरे धीरे आ जाता है। एंड लर्निंग यहाँ क्या होता है, ऑप्टेंड बाई चांस है ना, तो दैट इज दी आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, द डैश कमिट्स टू द प्रोविजन ऑफ फ्री एंड, नाउ बाई नाउ अब सबको आदत हो गई है आंसर, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन अ कपल ऑफ अदर वीडियोज ऑल्सो, ताकि यू नो दिस कॉन्सेप्ट इज यू नो देयर इन योर ब्रेन एंड यू डोंट फॉरगेट अबाउट दिस। तो आर्टिकल 45 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 में, इसी को आर्टिकल 45 को आर्टिकल 21A बोल दिए बाय राइट टू एजुकेशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो आंसर यहाँ आपका बोथ वन एंड टू होगा। एंड दैट्स, सो दिस आर्टिकल, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आर्टिकल 21A राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन टू द एज 14 ईयर्स कौन सा आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 21A ऐसा। हु गेव इट, आरटीई या एनसीआरटी ऐसे देते हैं, आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो दिस वे द क्वेश्चंस विल बी यू नो यहाँ से उल्टा पुल्टा करके करके दे देते हैं। तो डोंट फॉरगेट, दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स, एंड या डोंट फॉरगेट टू परचेस दिस बुक ऑफ माइन, पूरे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ एनसीआर पूरे उसमें है, यू कैन चेक आउट फॉर दैट। ओके, डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।